What's up ladies and gents, welcome to Artist and Gaming Group. Week 5 आ चुका है, तो चलिए देखते हैं Week 5 missions में क्या क्या दिया है. आप लोग जानते ही हैं, जो पहला चार missions Elite Royale RP missions है, जिसका पहला mission है, जो mission है वो ज़्यादा points का है. तो इसमें तीन missions दिया गया है, आपको जो भी पसंद आए वो complete कर सकते हैं. मैंने तो पहला वाला complete किया है, complete your message with friends in classic mode, जो मुझे आसान लगा है, तो ये मैं कंप्लीट कर रहा है. तो नंबर टू है कंप्लीट 14 मैचेस विद फ्रेंड्स इन टीम एरिना. एरिना खेलना होगा आपको, 14 मैचेस खेलना होगा. कंप्लीट 8 मैचेस विद फ्रेंड्स इन पेलोड. आपका अगर आपको पेलोड पसंद आता है तो आप 8 मैचेस खेल सकते हैं पेलोड में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये कम्प्लीट हो जाएगा. चलिए जाते हैं नंबर टू में. डील 1500 डैमेज इन सिंगल मैच इन एरिना. एरिना में 1500 डैमेज करना कोई बड़ी बात नहीं है. आप 15 किल कीजिए तो ये कंप्लीट हो जाएगा. 15 किल, 15 किल्स, मगर एक ही मैच में आपको करना होगा. चलिए आते नंबर थ्री में. सर्वाइव फॉर ए टोटल ऑफ 100 मिनट्स इन क्लासिक मोड. क्लासिक मोड खेलना होगा आपको, 100 मिनट तक सर्वाइव करना होगा. ये एक मैच में संभव नहीं है, आपको तीन मैचेस खेलने होंगे तो ये कंप्लीट हो जा सकता है. अगर तीन मैचेस में भी संभव ना हो तो ये 4, 5, 6, 7 या 10 मैचेस में भी खेल कर ये कंप्लीट करा जा सकता है. चलिए जाते हैं नंबर फोर में. कैरी टीममेट्स इन ए व्हीकल फॉर ए टोटल ऑफ 10,000 मीटर्स इन क्लासिक मोड. आप किसी को कैरी कर गाड़ी से ले जा रहे हैं तो ये कंप्लीट हो जाए. गाड़ी कोई भी चलाए मगर आप तो गाड़ी में बैठे होगे ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये कंप्लीट हो जाएगा. चले जाते हैं नॉर्मल रॉयल आरपी मिशंस में, जिसका पहला मिशन जो ज़्यादा पॉइंट्स का है, 100 पॉइंट्स, जिसमें तीन मिशंस दिया गया है. आपको जो भी पसंद आए वो आप कंप्लीट कर सकते हैं. लैंड ऑन एनी रूफटॉप इन स्कूल एरंगल 3 टाइम्स इन क्लासिक मोड. लैंड ऑन एनी रूफटॉप इन हाथीन शनॉक 3 टाइम्स इन क्लासिक मोड. लैंड ऑन एनी रूफटॉप इन वाटर ट्रीटमेंट म्यांमार 3 टाइम्स इन क्लासिक मोड. आपको जो भी मैप पसंद आता है वो मैप खेलिए, और इस स्पेसिफिक जगह पर उतरना होगा, आपको छतों में उतरना होगा. स्कूल के मेन स्कूल के छत पर उतरे तो ये कंप्लीट हो जाएगा. हाथी के छोटे छोटे घर है उसके छत पर उतरना होगा, और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में तो वहाँ पर घर भी है और बहुत सारे वेयर हाउस तरीका है, तो वो कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, सबसे ज़्यादा आसान है, सबसे ज़्यादा पॉपुलर है एरंगल स्कूल में, बहुत लोग उतरते हैं, ये सबसे आसान है, आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं बहुत जल्दी से. मगर आपको तीन मैचेस खेलने होंगे, तीन मैच में खेलकर ये कंप्लीट होगा. चलिए आते हैं नंबर टू में. ओपन 5 यार्ड ड्रॉप इन क्लासिक मोड. क्लासिक मोड में 5 यार्ड ड्रॉप्स को पहली बार, मतलब फर्स्ट टाइम आपको खोलना होगा. यस, फर्स्ट टाइम, मतलब कोई ड्रॉप खोल, मतलब कोई भी नहीं खोलेगा. अगर खुला हुआ ड्रॉप अगर जाकर देखोगे तो वो कंप्लीट, ये काउंट नहीं होगा. आपको नया ड्रॉप आपको खुद खोलना होगा तो ये काउंट हो जाएगा. चलिए अगर नंबर थ्री में. किल 10 एनिमीज विथ SKS इन एनी मोड. एनी मोड का मतलब है कोई भी मोड में खेल सकते हैं. ये सबसे आसान कंप्लीट करने का तरीका है. आप एरिना के लिए SKS लेकर लोड आउट में आप SKS ले लीजिए और मैच खेलिए, तो ये बहुत जल्दी से कंप्लीट हो जाएगा. चलिए अगर नंबर फोर में. पिक अप मिलिट्री वेस्ट लेवल 3 ओवर 10 मैचेस इन क्लासिक मोड. मिलिट्री वेस्ट लेवल 3 का वेस्ट जो बहुत लोग चाहते हैं, हमेशा चाहते हैं, कभी मैच में घुसते ही लेवल 3 वेस्ट चाहिए, लेवल 3 हेलमेट चाहिए. वैसे लेवल 3 हेलमेट आपको 10 मैचेस में उठाना होगा, वो भी क्लासिक मोड खेलकर, ये कंप्लीट हो जाएगा. चलिए अगर नंबर फाइव में. पिक अप फ्रैग ग्रेनेड्स ओवर 20 मैचेस इन क्लासिक मोड. ये मिशन बहुत ही पुराना मिशन है, काफ़ी वीक से, मतलब काफ़ी सीजन से आया है, तो ये चीज़ आपको करना होगा. 20 मैचेस खेलने होंगे, हर एक मैच में एक एक फ्रैग ग्रेनेड उठाओगे तो ये काउंट होता जाएगा. चलिए जाते हैं नंबर सिक्स में. किल 20 एनिमीज विद UMP 45 इन एनी मोड का मतलब आप जानते ही है, आप कोई भी मोड खेलिए, आप क्लासिक खेलिए, आप आर्केड खेलिए, आप एरिना खेलिए, जो भी खेलिए, ये कंप्लीट हो जाएगा. तो गाइस, कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट में लिखकर मुझे बताइएगा. तो प्लीज़ हिट लाइक एंड सब्सक्राइब, रियली अप्रिशिएट. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड इट्स गुड टाइम.